पहले से जानती थी सिलाई, तो मैंने कहा था मैंने कि थोड़ा बहुत और जान जाऊंगी, सीख जाऊंगी, तो मैं घर पे अपना सही कपड़े सिलना सीखूंगी, थोड़े उससे पैसे भी अपना थोड़े बहुत आएंगे तो अपना खर्चा चलेगा। फिर यहाँ पे आती हूँ, साढ़े ग्यारह, दस साढ़े दस या ग्यारह बजे आती हूँ, एक बजे तक रहती हूँ। दो घंटा के कोर्स है, छः महीना तक रहती हूँ, कोर्स है, फिर इसके बाद डिप्लोमा मिलेगा। अब जो जहाँ पे कर सकते हैं, सरकार तरफ से मशीन मिले तो घर से खरीद कर लो, जो करना होगा आगे करेंगे, अभी सीखे नहीं है पूरी तरीके। तो इस तरह से अब इतना काम बढ़ गया है इन लेडीज़ का कि दो लेडीज़ ने अपना बुटीक भी खोल लिया है। तो अपना बुटीक खोल के वो औरों का काम कर रही हैं और औरों के साथ मिल के वो और भी काम सीख रही हैं। फिर हमने सोचा कि सिलाई से ही हम सीमित नहीं रहना चाहते हैं, हमने फिर ब्लॉक प्रिंटिंग और क्रोशे और निटिंग भी शुरू की। अब इस तरह के काम सीखने के बाद लेडीज़ को और काम भी मिल रहा है और पूरे गुड़गांव में जहाँ जहाँ हम प्लास्टिक रोकना चाहते हैं वहाँ पे हम यहाँ का कपड़ा जो हमारे पास आता है उससे हम बैग बनाते हैं और प्लास्टिक रोकने में भी हमारा इसमें योगदान है।